एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 9। सो फर्स्ट 10 मल्टीपल मतलब क्या हो गया इसका? सो आप क्या करेंगे, 9 प्लस 9 करेंगे। जैसे आप 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18 करते हैं ना, सेम उसमें होता क्या है, जैसे 9 प्लस 9 आप एक एक करके 9 प्लस 9 करते जाएंगे ना, जैसे 9 टू ज़ा 18, सो 18 में भी 9 प्लस करेंगे तो 3 ज़ा क्या आएगा, वो आ जाएगा। इस तरीके से आप जो फर्स्ट 10 नंबर पे आप 9 को ऐड करते जाइए, और जब तक लास्ट में 90 नहीं आ जाता तब तक आप इसको ऐड करते जाएंगे। ओके सो इसको करके देखिए। सो इस तरीके से स्टार्टिंग के जो 9 फर्स्ट 10 जो मल्टीपल्स हैं ऑफ 9 वो हो गए 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। ओके सो इस तरीके से करते जाना है आपको। अभी आगे वाले क्वेश्चंस भी कुछ इसी टाइप के हैं, सो चलिए करके देखते हैं इनको। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके सो फर्स्ट 5 के मल्टीपल्स भी हमें इसी तरीके से, अभी हमने 9 के लिखे हैं, सो दे आर 10 मल्टीपल्स ऑफ 9 ना, सो वी आर राइटिंग ओनली 5 मल्टीपल्स, ओनली फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके सो अगेन वैसा ही रहेगा जैसे आपका 12 का टेबल होता है, उस तरीके से आप कर सकते हैं, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, इस तरीके से आप लिख लेंगे। ओके सो आफ्टर वी आर कमिंग टू 3, राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 14। अगेन 14 का टेबल जो होता है, या आप 14 मल्टीप्लाइड बाय 1, 14 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 14 का जैसे 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28 आया, 28 में फिर से 14 ऐड कर लीजिए तो 3 ज़ा में क्या आएगा, वो नंबर आता जाएगा। इस तरीके से आप ऐड कर करके कर सकते हैं। सो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखना है आपको 14 के। आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 28। सो 28 इज अ मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल हो गया, अभी तो हमने बताया 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 ना इक्वल टू 28। सो 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 4। ओके 7 एंड 4। ओके बी डैश इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। सो कौन सा ऐसा नंबर होता है जो सबका मल्टीपल होता है, विच इज द नंबर, यस इट्स 1। 1 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ओके सी एनी नॉन जीरो नंबर हैज डैश मल्टीपल्स। सो कौन से जो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं उसके नंबर्स मल्टीपल्स होते हैं, नंबर इट्सेल्फ। ओके वो खुद नंबर होता है, उसका मल्टीपल्स होता है ना, 9 वन ज़ा 9 होता है ना, एक बार फर्स्ट टाइम तो होता ही है। सो 9 भी नॉन जीरो नंबर ही है। ओके सो एनी नॉन जीरो नंबर हैज नंबर इट्सेल्फ मल्टीपल्स। ओके खुद भी वो खुद को ही मल्टीपल्स करता रहता है ना, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, वो खुद ही होता रहता है। आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू क्वेश्चन 5, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5 दैट आर ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 50। सो आपको क्या करना है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5 दैट आर ग्रेटर देन 20। सो 5 के टेबल आप पढ़ेंगे, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, इसकी तरीके से, और इसके बाद 20 से ज़्यादा हो, जो नंबर्स 20 से ज़्यादा आते हैं बट 50 से कम हो, वो आपको लिख देने हैं यहाँ पे। तो वो कौन कौन से नंबर होते हैं, आप टेबल याद करेंगे तो आपको आ जाएगा, 5 फोर ज़ा 20 तक तो होता है, 5 फोर ज़ा, सो 5 फाइव ज़ा 25 से स्टार्ट होता है, सो 5 फाइव 25, ऑफ 25 से लेकर आप 9 ज़ा तक लिख सकते, क्योंकि 9 ज़ा 5, 9 ज़ा 45 होता है ना। सो इस तरीके से पूरे ही नंबर, बस 5 10 ज़ा 50 नहीं करना, बाकी 45 तक आप लिख सकते हैं। सो आंसर ये हो जाएगा, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15 दैट आर लेस देन 80। ओके तो 15 का आपको लिखना है टेबल जो कि 80 से कम होंगे, 80 जो नंबर जब तक 15 के टेबल में 18 से लेस होने चाहिए, 80 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, ओके एंड 54 ज़ा 60, 15 फाइव ज़ा 75 होता है। ओके 75 से ज़्यादा तो नहीं लिख सकते, 75 होगा लास्ट डिजिट, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इनको। इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 19 दैट आर टू डिजिट नंबर। सो आपको क्या करना है, जो मल्टीपल ऑफ 19 दैट आर टू डिजिट, तो 19 के
टेबल में या 19 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो 2 डिजिट के नंबर हैं सिर्फ आपको वही यहाँ पे लिख देने हैं, और जहाँ 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे वो नंबर आपको नहीं लिखने हैं। ओके, सो ओनली 90s टेबल, ओनली 2 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड 8, 5 एंड 7 एंड 3 एंड 11। सो आपको 2 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं 7 एंड 8 के, 5 एंड 7 के एंड 3 एंड 11 के। तो ये आप तो इजीली कर सकते हो। राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। चलिए मैं बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम 4 का एंड 6 का टेबल लिख लेते हैं। ओके, सो 4 टेबल एंड 6 टेबल। नाउ वी आर फाइंडिंग द कॉमन नंबर्स। ओके, इन 4 एंड 6 टेबल व्हाट विच इज़ द कॉमन नंबर्स आर देयर, यू कैन सी इन 4 टेबल 12। ओके, सबसे पहले 12 मिल गया हमें जो दोनों में है, दोनों टेबल्स में आता है 12। आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू 30, 36, 42। ओके, सो ये जो 24 है ये दोनों में दिख रहा है, सो 24 है एक तो। ओके, एंड आफ्टर 36, 36 भी ये देखिए 4 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये भी एक कॉमन नंबर हो गया। सो 36 भी इसका आंसर है। ओके, सो इस तरीके से ही आप दोनों के टेबल 8 एंड 9 एंड 4 एंड 5 के भी टेबल लिख के आप उनका भी जो कॉमन मल्टीपल है वो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इज 824 अ मल्टीपल ऑफ 7? सो क्या 824 जो है वो मल्टीपल है 7 का? सो कैसे पता चलेगा? सिंपल, अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 7 फ्रॉम 824, तो हमें पता चल जाएगा अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसका मल्टीपल हो भी सकता है। ओके, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें पूरा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहा है। सो दिस इज नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। ओके, 10th क्वेश्चन का आंसर इज नो। सो 11th क्वेश्चन, शो दैट 10,869 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 54। अगेन यू कैन डिवाइड इट बाय 54, 54 डिवाइडेड बाय 10,869, सॉरी 10,869 डिवाइडेड बाय 54। तो आप इसको करके देखेंगे, अगर ये रिमाइंडर नीचे नहीं बचता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा कि हाँ ये मल्टीपल होगा, और अगर नहीं होता है नीचे नंबर बचता है, इट मीन्स के रिमाइंडर बचता है, तो इसमें भी आंसर नो आ जाएगा। ओके, सो ये आप खुद करके देखेंगे।